नमस्कार किसान साथियों, अभी हम है ग्रीन रेवोल्यूशन के स्टॉल पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तरह तरह के प्रोडक्ट्स इनके यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। हमें भी जब हम पहली बार स्टॉल पर आए थे तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये अजीबोगरीब चीज़ें है क्या और इनका किस तरीके से किसान उपयोग कर सकता है। हमारे साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ें हैं और किन तरीके से ये किसानों की मदद करती हैं। नमस्कार सर, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम प्रतीक पाटिल है। ये हमारी कंपनी ग्रीन रेवोल्यूशन कोल्हापुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जी जी, ये जो सारे आपको यहाँ पर प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये सारे फेरोमोन ट्रैप जिससे स्टिकी ट्रैप है, इनका हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये खासकर कीट प्रबंधन के लिए यूज होते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जो भी हमारी फसलों में, चाहे वो सब्जी की हो या फिर मोटी फसलें हो, उनमें जो भी कीट आते हैं जैसे कि ब्लैक थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाइज हो गई, उनके लिए ये काम करता है। उनके लिए काम। तो फेरोमोन ट्रैप का नाम हमने भी कई बार सुना है, हमारे किसान भाई भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इसको आप विस्तार में बताइए। हाँ जी, ये सिंपल फेरोमोन की कंसेप्ट क्या है, जो कीटों का जीवन चक्र रहता है, एक लार्वा प्यूपा एडल्ट मतलब जो कीटों के पतंगे रहते हैं, इल्लियां बनती है, इल्ली के बाद कोशिका बनती है, फिर इन कोशिका में से फिर से पतंगे बाहर निकलते हैं। ये जो जीवन चक्र है, ये जीवन चक्र ब्रेक करने का काम ये फेरोमोन ट्रैप करते हैं। इन फेरोमोन ट्रैप में जो पतंगे रहते हैं तो पतंगों में मेल और फीमेल ऐसा डिफरेंशिएशन उसमें रहता है। उसमें जो फीमेल क्या करती है, फीमेल मेटिंग के लिए अपने शरीर से गंध छोड़ती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, और वही फेनोमेनन फेरोमोन ट्रैप में किया गया है। ये जो गंध है आर्टिफिशियली फेरोमोन ल्यूर में दी जाती है, और उस ल्यूर की तरफ जो अपने खेत में जो भी कुछ नर पतंगे हैं, मेल पतंगे हैं, तो उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ट्रैप में पकड़ा जाता है। तो बाहर जो फीमेल घूम रही है तो उनके साथ उनका मेटिंग रोक दिया जाता है, और जो अंडा देने की प्रोसेस बाहर होने वाली थी उसे पूरा का पूरा रोक लगा दिया जाता है, और उनकी आगे की पीढ़ी बढ़ती नहीं है। मतलब उनकी आगे की पीढ़ी बढ़ेगी नहीं तो अपने खेत में इल्ली नहीं होगी, इल्ली नहीं होगी तो हमारा पेस्टिसाइड का खर्चा भी, कुल मिला के रिप्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है वो रुक जाता है। जी, वो पूरा का पूरा थम जाता है। अगर हम जनरली बात करें तो एक कीट के पतंगे तकरीबन एक बार 250 से 300 अंडे दे सकती है। अच्छा, और जब हम एक पतंगे इसमें पकड़ दे, मतलब उतने परसेंटेज में हमारे खेत में होने वाली इल्लियां हम अपने खेत में रोक सकते हैं सिर्फ एक पतंगा पकड़ कर। अच्छा, ये फेरोमोन ट्रैप जो है ये 50 से 100 तक अपने पतंगे पकड़ सकते हैं। जिस प्रकार से कीटों का प्रमाण अपने खेत में, उस प्रकार से उसमें पतंगे फंसते जाते हैं, लेकिन इसकी यूजेबिलिटी एंड इसका जो बेनिफिट्स है ये इतने ज़्यादा है, मतलब एक पतंगा पकड़ कर भविष्य में होने वाली 50-100 इल्लियां हम अभी से रोक सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, अलग अलग तरीके के यहाँ पर इक्विपमेंट्स हमें दिख रहे हैं, अलग अलग तरीके के ये आपके ट्रैप्स हैं, तो इनके बारे में थोड़ी सी आप हमें जानकारी दीजिए। और हमारे किसान साथी ये भी जानना चाहेंगे कि एक एकड़ पे ऐसे कितने ट्रैप्स लगाने होते हैं। हाँ, जिससे कि उनको कंट्रोल मिलेगा और कितना परसेंट तक इससे हम कंट्रोल रख सकते हैं। तो फेरोमोन ट्रैप जो है इनका एक स्पेशलिटी है, ये फेरोमोन ट्रैप हर कीट के लिए अलग अलग आते हैं। इनका स्पेसिफिक हम एक लाइन में बताना चाहे तो स्पेसिस टू स्पेसिफिक बोलने में आते हैं, मतलब हर एक कीट के लिए हर एक फेरोमोन अलग रहता है, क्योंकि कीटों के नर मादा जो है वो अपने प्रजाति के पतंगों को अट्रैक्ट करने के एक स्पेसिफिक गन छोड़ते हैं, जो दूसरी वाली प्रजाति को महक उसकी नहीं आती। मतलब जो बैंगन में चलेगा वो टमाटर में नहीं चलेगा, वो टमाटर में चलेगा वो सोयाबीन में नहीं चलेगा। फ्लाई के लिए अलग होता है, फ्लाई के लिए अलग रहेगा, ब्लैक फ्लाई के लिए अलग रहेगा। अगर हम जनरली बात करें तो एक एकड़ में तकरीबन हमें 10 ट्रैप लगाने पड़ते हैं कीटों के अच्छे प्रबंधन के लिए, उनका सर्वेक्षण करने के लिए। हमारे खेत में कीटों का प्रमाण कितना है ये पहले हम इन फेरोमोन ट्रैप की मदद से जान सकते हैं, उसके बाद उनका अच्छे से प्रबंधन भी कर सकते हैं। पहले हम एक देख लेंगे, एक फेरोमोन ट्रैप का हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जब किसी फेरोमोन ट्रैप को आप अपने हाथ में लेते हैं तब आपको दो चीज़ें मिलती है, एक मिलती है फेरोमोन ल्यूर और दूसरा मिलता है फेरोमोन ट्रैप। ये पेयर आपको लेनी है और ये ल्यूर इस ट्रैप के अंदर आपको लगवानी है। मतलब ये ल्यूर क्या करेगी, स्पेसिफिक उस कीट की मक्खियों को आकर्षित करेंगी और ट्रैप उनको पकड़ के रखने का काम करेगा। सिंपल फिनोमेनन हर एक ट्रैप में होता है। अभी हम बात करने वाले हैं अपने बेल वाली फसलों में और अपने हॉर्टिकल्चर फ्रूट क्रॉप्स में जो भी फ्रूट फ्लाइज आती है, तो उनके अलग अलग स्पेसिस ट्रैप करने के लिए ट्रैप है। इस ट्रैप का नाम है IPM ट्रैप, ये हमारा पेटेंटेड ट्रैप है। इसके अंदर हम मेलन फ्लाई ल्यूर लगा सकते हैं, जो अपने तरबूजा, खरबूजा, लौकी, तुरई, कद्दू वगैरह जो बेल वाली फसलें हैं तो उनमें फ्रूट फ्लाई आती है जो फलों को डंक मार देती है, छेद कर देती है। अगर उससे बचना है तो आपको ये मेलन फ्लाई ल्यूर और IPM ट्रैप फ्लावरिंग स्टेज के वक्त अपने खेत में लगानी है। ये वेजिटेबल का मतलब ये वेजिटेबल में जो फ्रूट फ्लाई आती है तो उसके प्रबंधन के लिए मेलन फ्लाई ल्यूर लगती है। और दूसरा है फ्रूट फ्लाई ल्यूर, ये फ्रूट फ्लाई ल्यूर हम जो अपने बागवानी फल वाली फसलें हैं, ये अपना आम, संतरा, चीकू या अमरूद हो गया,
या पपैया हो गया, तो उन सारी फसलों में ये फ्रूट फ्लाई लूर हम लगा सकते हैं उनमें आने वाली फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल के लिए। किसानों को ज्यादा जो दिक्कत आती है फेरोमोन ट्रैप के बारे में, जो कंफ्यूजन रहता है, तो इसी के बारे में रहता है कि फ्रूट फ्लाई हम कौन सी यूज करें। तो आपको ये चूज करना है, बेल वाली फसलें जब आप करते हैं तो मेलन फ्लाई यूज करें, अगर फ्रूट वाली यूज आपकी फसलें है तो फ्रूट फ्लाई वहां पर आपको यूज करनी है, और इसी सेम आईपीएम ट्रैप को आपको इसके लगाना है, और एक एकड़ का प्रमाण है 10 ट्रैप। इसी प्रकार से अलग अलग कीटों के लिए आते हैं, ये फ्रूट फ्लाई का हो गया। उसके बाद जो बैंगन में तना और फल छेदक कीट आता है तो उसके लिए भी फेरोमोन ट्रैप आता है, ट्रैप अलग आता है, इस ट्रैप का नाम है वाटर ट्रैप। सेम रहेगा? नहीं, ल्यूर अलग रहेगा। अगर आप बैंगन की फसल की बात करते हैं तो ल्यूर अलग रहेगा, इसी तरीके के रहेंगे। हाँ, इसी तरीके के, बस इनका ये ट्रैप बदल जाता है। हाँ, ट्रैप बदल जाता है, एक सेकंड। हाँ, तो ये बैंगन की ल्यूर है, बैंगन में जो तना और फल छेदक आता है तो उसको पकड़ने के लिए, उसके जो नर पतंग है तो उनको पकड़ने के लिए ऐसा वाटर ट्रैप आता है। ये ल्यूर हमें यहाँ पर लगानी है, इस ट्रैप के अंदर लगानी है, मतलब पेड़ को, पेड़ में आपको खरीदना है, ट्रैप के साथ आपको ल्यूर भी लेनी है। ल्यूर एक स्पेसिफिक दिनों तक काम करती है, मतलब इसकी एक वैलिडिटी रहती है। अगर आप फ्रूट फ्लाई की बात करें वो 60 दिन तक काम करती है, 60 दिन के बाद आपको बदलना पड़ता है। अगर आप बैंगन की बात करें तो ये ल्यूर 45 दिन अपने ट्रैप में काम करती है लगवाने के बाद, उसके बाद आपको बदलनी पड़ती है, रिप्लेस करनी पड़ती है, ट्रैप वैसा ही रहेगा। इसके अंदर यहाँ पर आपको ये ल्यूर लगानी है, यहाँ पर पानी डालना है, इसलिए इस ट्रैप का नाम आता है वाटर ट्रैप। और जो भी कुछ कीट के नर पतंगे हैं, मेन पतंगे हैं, वो इसमें गिरकर मर जाएंगे, और जब ये यहाँ पर गिर जाते हैं तो उनका लाइफ साइकिल इधर ही ब्रेक हो जाता है, अपने खेत में तना छेदक नहीं होता, फल छेदक नहीं होता। और ये आपको बैंगन में कब लगाने हैं, जब आपका बैंगन का प्लांटेशन होता है उसी दिन आपको ये लगवाना है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्या रहता है कि जब तना और फल छेदक का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो एक बार वो लग गए तो आसानी से नहीं हटते, आसानी से हम उसे नहीं कंट्रोल कर सकते। तो इसीलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में ये ट्रैप अपने को लगवाने हैं, और अपने खेत में कीट आने से पहले ही उनका प्रबंधन करना है। ऐसा अलग अलग प्रकार के तकरीबन 110 से भी अधिक फेरोमोन ट्रैप हम किसानों को बनाकर दे सकते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं उसके साथ साथ हमें स्टिकी ट्रैप भी यूज़ करने पड़ते हैं। स्टिकी ट्रैप जो है वो सकिंग पेस्ट के लिए, मतलब जो रस शोषक कीट होते हैं तो उनको पकड़ने के लिए स्टिकी ट्रैप काम करते हैं। बहुत सारे किसानों का मानना यह रहता है कि हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया तो स्टिकी ट्रैप लगाने की क्या जरूरत है, लेकिन उनका काम अलग है और इनका काम अलग है। ये जो स्टिकी ट्रैप रहते हैं वो खासकर रस शोषक कीट जो है, सफ़ेद मक्की, महुआ, उसके बाद पर्णभूत के, मतलब जिसे हम लीफ हॉपर कहते हैं, उसके बाद जो थ्रिप्स रहता है और लीफ माइनर की मक्खियाँ रहती है, तो उनको पकड़ने के लिए येलो और ब्लू कलर के स्टिकी ट्रैप आते हैं। येलो कलर खासकर व्हाइट फ्लाई एपिड जैसिस, मतलब सफ़ेद मक्की, महुआ, पर्णभूत के, इनको कंट्रोल कर देगा, और नीले रंग का जो स्टिकी ट्रैप है वो स्टिकी ट्रैप लीफ माइनर के पतंगे और थ्रिप्स को अच्छे से प्रबंधित कर देगा। मतलब उनका काम अलग है और इनका काम अलग है, दोनों का आपको अच्छे से अपने फील्ड में लगाना है। और ये जो स्टिकी ट्रैप है उनका, ये आपको एक एकड़ में तकरीबन 30 से 40 स्टिकी ट्रैप लगाने हैं, और फेरोमोन ट्रैप तकरीबन आपको 10 ट्रैप लगाने ही लगाने हैं। ये पूरा फेरोमोन ट्रैप का हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे ये जानकारी साझा की। थैंक यू जी, धन्यवाद।